हनुमान चालीसा करो, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंगदल के साथ जुड़कर काम करो। 22 तारीख तक सीमित लोगों को बुला पाए हैं, परंतु राम मंदिर की लाठी गोली खाने के लिए लाखों लोग अयोध्या हमारे साथ आते रहे। तो मैंने 24 जनवरी अयोध्या भव्य राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पूरे देश के लोगों को निमंत्रण दिया है। उनमें से जो कार सेवक आएंगे उनका मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर मैं स्वयं तिलक करके स्वागत करने वाला हूँ। संघर्ष और बलिदान से मंदिर बना है, आ सकते हैं तब आइए वरना कभी भी जाइए। और अपने घर में, अपने गांव में, मोहल्लों में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैं हाथ उठाऊंगा, आप उठाकर मैं बुलाऊंगा, बोलो मैं शिव मंदिर टूटा। आज के भारत में सबसे पहला मंदिर टूटा वह 1025 सोमनाथ में टूटा, और बाद में निरंतर हमले के कारण काशी मथुरा अयोध्या सहित लगभग 30,000 मंदिरों तोड़कर मस्जिदें बनी। अकेला मंदिर तोड़ने की बात नहीं थी, हम सभी के घर लूटे गए, संपत्ति छीनी गई, गजनी भारत से लूट करके ले गए थे वो लूट का भाव उन्होंने दिखाने के लिए रखा था। तो अरबस्तान के लोग देखने आए, इसलिए मंदिर टूटना हमारा घर टूटना, समृद्ध हिंदू को गरीब बनाना एक साथ हुआ। पूरी दुनिया हमारी थी, लूट गई, आधा भारत बचा, और बचे हुए आधे भारत में राम मंदिर टूटने के बाद फिर से बनाने का संघर्ष हमारे पुरखे करते रहे। यह सबसे सबसे महत्व की बात जो हमें समझनी चाहिए, हम दुनिया के सबसे शौर्यवान वीर लोग। तो मंदिर टूटा क्यों, घर लूटा क्यों? क्योंकि हमला करने वाले आते थे अरबस्तान से, 2-5 लाख लोग आते थे, मंगोलिया से 2-5 लोग आते थे, और यहां हमला करता था तो लड़ने के लिए 10-20 हजार लोग निकलते, वहां के लोग लगते। तो सीधी बात है, हमला को 1-2 लाख है और लड़ने वाले वीर भी 20-25 हजार तो लड़ते लड़ते मारे जाएंगे। राम मंदिर आंदोलन ने इतिहास की एक कमी भर दी। हमने 4 कार सेवक का ऐलान किया, 89, 90, 92, 2018। मेरे अंदाज से लगभग 8 लाख कार सेवक अयोध्या आए थे। ये कार सेवक कहां के थे? केरल से थे, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, मणिपुर, देश से मणिपुर देश। यह राम के प्रश्न पर संघर्ष कर रहा था, जागा था। मैं इतिहास की ओर दृष्टि डालता हूं तब ध्यान में आता है कि पूरा देश अपने गौरव के लिए, सम्मान के लिए खड़ा होगा, तो एक भी हिंदू का घर लूटता नहीं, एक भी मंदिर तोड़ता नहीं। खैर, इतिहास की अकबरी राम मंदिर ने पूरी की है। लगभग 8 लाख से ज्यादा कार सेवक लाठी गोली खाने के लिए जा रहे हैं, एमएलए की बनने की नहीं है, लाठी गोली खाने। नेवासी में जो बाबर का ढांचा वहां खड़ा था 120 बाय 80 फुट जगह पर, हमने कहा मंदिर वही बनाएंगे। कैसा मंदिर बनाएंगे? तो 120 बाय 80 फुट की चारों ओर हमने मंदिर बनाने के लिए जमीन खरीदा शुरू किया।
अपने मनी और राम जन्मभूमि न्यास जिन्होंने पत्थर बड़े हैं मंदिर में लगे, हमने 2.5 एकड़ चारों से खरीदने के बाद हमने कहा शिलान्यास करेंगे क्योंकि जमीन हमारे पास थी 120x80 फुट नहीं थी, 4000 हमारे बाप की, और हमने 9 नवंबर देवरासी में शिलान्यास किया राम मंदिर का। फिर मंदिर कैसा बनेगा उनका मॉडल तैयार किया, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था सरदार पटेल के कहने से, उनके बेटे से बेटे पुत्र उनका नाम चंद्रकांत सोमपुरा, उनसे हमने अहमदाबाद में मॉडल बनाया मंदिर कैसा बनेगा 240x122 फीट का मॉडल तैयार किया। मॉडल अहमदाबाद से लेकर कुंभ मेरा अपना लिव्यासी ने उसमें लाए, धर्म संसद बुलाई, स्वयं देहरा देवराहा बाबा सभी संकलाचार्य